नमस्कार दोस्तों, अभी तक रेलवे के 2 दिन के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके 13 अगस्त को है। इसलिए हम इससे पहले हुई उन 2 दिनों के अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं और हर शिफ्ट में आपके एक स्पेशल टॉपिक से सवाल आए हैं, जैसे कि आपके कैलेंडर हो गए, एनालॉजी, वर्ड रिलेटेड हो गए, सेलुलिज्म हो गए और सीरीज हो गए, इसी तरीके के वेन डायग्राम हो गए, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसके पहले हमने कैलेंडर की भी एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है, करेक्ट। 22 मई 2009 को कौन सा दिन था? ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि कोई भी डेट दे देता है और पूछता है कि उस दिन कौन सा दिन था। तो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ 22 मई 2009 को कौन सा दिन था। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे बनाते कैसे हैं? तो इसे बनाने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है स्पेशल, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस आप सेंचुरी कोड लिख सकते हो प्लस सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाई 7। अब बात आई डेट की, तो डेट तो हो गई आपकी 22, बट मंथ की बात जैसे ही आती है तो उसके लिए आपको एक कोड होता है, उसी से आप मंथ लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि मई 5th में है तो 5 हो गया, नहीं, आपको इसके लिए एक कोड होता है 0 33 61 46 25 0 35। ये आपका 0 हो गया जनवरी के लिए, 3 हो गया फेब्रुअरी के लिए, 3 हो गया मार्च के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपका मई है तो मई का कोड हो गया 1। उसी तरीके से ईयर की बात किया जाए तो ईयर आपका लास्ट का 2 डिजिट होता है तो 9। प्लस लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर के लिए आपको क्या करना है, इसे 4 से डिवाइड कर देना, तो 4 डिवाइडेड बाई 9 किया तो 2 टाइम्स हो गया, तो हमारा हो गया +2। और यहाँ पर प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड हमारा क्या क्या होता है, तो आप 1600 का जो भी सेंचुरी आएगा उसका कोड होता है 6। और उसी तरीके से 1600 के बाद आपका आ गया 1700, 1700 का सेंचुरी कोड हो गया 4, 1800 का सेंचुरी कोड हो गया 2 एंड 1900 का 0। उसी तरीके से फिर से आपका 2000 का 6 और इसी तरीके से चला जाएगा, आपका 2100 का हो जाएगा 4, इसी तरीके से आपका 6420 का सीरीज चलता है। तो हमारा 2000 है सेंचुरी कोड तो हमारा हो जाएगा 6 अब डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से भी डिवाइड किया तो जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम इसके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर क्या हम इसे ऐड करके निकालेंगे? नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगी, तो हम इसे ऐड नहीं करते। हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 + 1 = 7, तो ये हमारा, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये दोनों कैंसिल। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 एंड 2 को 2 ही हो गया, तो 2 + 2 + 1 = 5, आपका रिमाइंडर हो गया 5। आप इसे ऐड करके देखो, आपका रिमाइंडर 5 ही आएगा, तो 5। अब बात है कि 5 आ गया तो अब हम इसमें डे कैसे देखेंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, 0 अगर रिमाइंडर बचता है तो हम संडे उसे रखते हैं, 1 रिमाइंडर बचा तो मंडे एंड सो ऑन, तो 2 बचा तो आपका हो गया ट्यूजडे, 3 बचा तो वेडनेसडे हो गया, 4 बचा तो आपका हो गया थर्सडे एंड 5 बचा तो फ्राइडे एंड 6 बचा तो सैटरडे। तो हमारा 5 बचा है तो ये आपका हो गया फ्राइडे। ये था इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। इसके पहले हमने कैलेंडर की वीडियो में आपको बताई थी क्या कि अगर 2000 से ऊपर चला जाए, 1999 से ऊपर चला जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेंचुरी कोड का उस टाइम फॉर्मूले नहीं बताए थे। तो अगर सेंचुरी कोड हमें नहीं पता हो तो अगर 2000 से ऊपर चला जाए तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो 22 मंथ कोड 1, ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2009 है उसमें आपको क्या करना है, 1900 से माइनस, तो 901 तो 109 हो गया, और लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड किया तो 27 डिवाइडेड बाई 7। आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, सेम ही आपका 27 + 1 हमारा हो गया 28, तो खत्म, एंड ये हमारा रिमाइंडर बच गया 1, एंड 109 को हमने डिवाइड किया 7 से तो हमारा रिमाइंडर बच गया 4, तो 4 + 1 = 5, फिर से आ गया फ्राइडे ही। तो दोनों में से किसी रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। सेंचुरी कोड हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपको 1900 से पहले 1800 का भी कुछ हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे 19 अगस्त 1987 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये आपका जैसा कि फॉर्मूला था, डेट प्लस मंथ, अगस्त के लिए हमारा कोड क्या होता है, तो अगस्त के लिए कोड होता है 2, आप ऊपर देख सकते हो हमने यहाँ पे 2 बताया है, तो 19 + 2 एंड लास्ट 2 तो 27 प्लस, तो 87 को हमने डिवाइड किया
फोर से, तो 87 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना 12, 87 को 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमने किया 87 को 4 से तो 21 टाइम्स हो गया, प्लस आपका ईयर कोड 0, सेंचुरी कोड मतलब कि, और डिवाइडेड बाई 7। अब आप इसे फिर से करोगे 21 तो टोटली ख़त्म, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये आपका आएगा 3 रिमाइंडर बचेगा, एंड यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं, 19, 2, 21 ये भी ख़त्म, तो 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 रिमाइंडर यानी कि वेडनेसडे। ये हमारा हो गया तरीका इसे सॉल्व करने का। तो कैलेंडर के क्वेश्चन इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे कैलेंडर के वीडियो भी देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्न श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपका मिसिंग इसमें जो है सीरीज, ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मिसिंग सीरीज को निकालने हैं। तो आपको क्या होता है कि इसमें एक पद लुप्त होता है और सारे जो है हमारा निश्चित सीरीज में चलते हैं, रेगुलर सीरीज में चलते हैं, तो वो सीरीज हमें ढूंढने होते हैं कि कौन से सीरीज में चल रहे हैं, उसके बाद हम इसके आंसर लाते हैं। तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड नेक्स्ट पूछ रहा है। तो सीरीज के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो नेक्स्ट भी 3 ऐड हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन सीरीज में पूछे जा रहे हैं। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन सीरीज का। यहाँ पे 1, 5, 21, 57, 121 एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हो, आपको सबसे पहले डिफरेंस हम देख ले, तो डिफरेंस 4 का है। यहाँ हमने देखा तो डिफरेंस हमारे कितने का है, तो 16 का है। फिर हमने देखा तो डिफरेंस 57 माइनस 21 आप करोगे तो कितना आएगा, तो 36 आएगा। उसी तरीके से 121 माइनस 57 करोगे तो 64 आएगा। तो नेक्स्ट क्या डिफरेंस जाएगा, तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंस हो क्या रहा है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस हमारा एक स्क्वायर के रूप में जा रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा जाना चाहिए 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100। तो 121 में 100 ऐड करेंगे तो 221, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका थोड़ा सा पेचीदा हो गया। किस चीज़ से ये हमारा पेचीदा हुआ, तो ये डिफरेंस से पेचीदा हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इससे हमारा ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया। बाकी आपको ये ज़्यादा भी पेचीदा नहीं था। आपको अगर डिफरेंस आपने कर लिया तो इसके बाद आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे कि डिफरेंस चल किस चीज़ पर है, तो स्क्वायर पर, तो हमारा आसानी से बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया है, उसमें गलत पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये सीरीज में गलत पद हमारा कौन सा होगा, तो 41, 41, 42, 44, 48, 51 एंड 56 में, तो हमारा गलत पद क्या होगा। तो इसमें भी आपको डिफरेंस देख लेने हैं। यहाँ 0 का डिफरेंस है, यहाँ वो आपका 1 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 2 का, एंड यहाँ 4 का, एंड यहाँ हमारा 3 का, एंड यहाँ हमारा कितने का है, तो 5 का। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारा डिफरेंस चल रहा था 0, 1, 2, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 3 का डिफरेंस होता तो ये हमारा क्या होता, तो 47, एंड 47 में 4 ऐड करते तो 51 आता। तो ये आपका एक सीरीज अच्छे तरीके से बन जाता अगर ये 47 होता तब, यानी गलत संख्या हमारी क्या है, तो 48 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसे एक सीरीज में अगर देख लेते हो तो 41, 41, 42, 44, 47 रख दिया, 51 रख दिया, 56, तो हमारा डिफरेंस 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का आसानी से आ गया, यानी मिस हमारा गलत वही था 48। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहा है कि गलत क्या होगा, गलत संख्या। तो इसमें भी आपको सेम वे अपना ने डिफरेंस देख लेने, 5, 11, 23, 47 एंड 96 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे हम कह सकते हैं क्या, तो 5 और 11, इसे हम कह सकते हैं 5 गुना 2 प्लस 1, इसे हम कह सकते हैं 11 गुना 2 प्लस 1, इसे कह सकते हैं 23 गुना 2 प्लस 1, और ये हमारा क्या हो रहा है, तो ये हमारा गुना 2 प्लस 2 हो रहा है, यानी कि हमारा रॉन्ग हमारा क्या है, तो 96 है, इसके जगह पर 95 होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी से क्वेश्चन, करे मेन्यू भोजन कैटलॉग, करें मेनू का भोजन से रिलेशनशिप है। आपको एक यहाँ पे साइन दिखता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के पहले 2 वर्ड्स होते हैं प्रोपोर्शनल के बाद, तो प्रोपोर्शनल के पहले के 2 वर्ड्स में जो रिलेशनशिप होता है वही हमें प्रोपोर्शनल के बाद के लगाने होते हैं। करें मेनू का रिलेशनशिप है भोजन से, तो कैटलॉग का किससे होगा, तो मेनू, मेनू होता क्या है, तो भोजन का जो वो हमारा होता है, इसे हम क्या कहते हैं कि भोजन का जो हमारा मेन्यू, आप समझ रहे होंगे मेन्यू क्या होता है, कि भोजन के बारे में जो हमारा एक जगह लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे ये आपका मेन्यू हो गया, आप होटल में जाते होगे तो मेन्यू देता होगा, तो ये हमारा भोजन का ये मेन्यू होता है। तो कैटलॉग किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो कैटलॉग हमारा पुस्तकों से रिलेटेड होता है, यानी कि
भोजन के सीरीज को मेन्यू कहते हैं तो पुस्तकों के सीरीज को कहते हैं क्या? तो हम कैटलॉग यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, करें चिकित्सक का रिलेशनशिप है उपचार से, तो न्यायाधीश का रिलेशनशिप किससे होगा? तो निर्णय से। चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करता है? निर्णय लेता है, ना कि दंड देता है। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने दंड दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका चिकित्सक न्यायाधीश हमेशा निर्णय ही लेता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बेन डायग्राम से। बेन डायग्राम मतलब हमारा होता है क्या है कि आपको जैसे कि यहाँ पे 3 वर्ड्स दे चुके हैं, 3 वर्ड्स है, इन तीनों में रिलेशनशिप ढूंढने, काली आंखों वाले, भूरी बालों वाले और भारतीय, इन तीनों का रिलेशनशिप क्या हो सकता है, आपको एक सर्कल के रूप में डोनेट करना है। तो काली आंखों वाले आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि भूरी बालों वाले नहीं हो, काली आंख वाले भी भूरे बाल वाले होते हैं, तो इस तरीके से इन दोनों का डायग्राम बनाना। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे भूरे बाल काली आंख वाले हो। अब भारतीय, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय के काली आँख और भूरे बाल होते हैं, सभी के होते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपको वेन डायग्राम अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर शिफ्ट में। अब अगर आप बैगन, मांस और सब्जियों का रिलेशनशिप ढूंढो, तो सब्जी में हमारा बैगन आता ही आता है, बट जो हमारा मांस है वो कोई सब्जी नहीं है और बैगन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा सेलोलिज्म से है। आपको सेलोलिज्म में कथन दिए हुए रहते हैं और निष्कर्ष दिए हुए रहते हैं। कथन है कि सभी बकरियां गायें हैं और सभी गायें जानवर हैं, तो आपको इसके लिए वेन डायग्राम ही बनाने हैं, जैसे ऊपर बनाया था सभी बकरियां गायें हैं, तो यहाँ पे हमारा सभी बकरियां गायें हैं, तो जो सभी वाला होता है उसे अंदर रखते, तो गोट, और ये हमारा हो गया काऊ, और सभी गायें जानवर है तो ये हो गया एनिमल। अब निष्कर्ष पूछ रहा है कि सभी बकरियां जानवर हैं क्या, तो आप देखो सभी बकरियां जानवर हैं तो हाँ, आप देख सकते हो बकरियों का ये है और जानवर का ये है, तो हाँ सभी बकरियां जानवर है, यानी निष्कर्ष 1 तो हमारा राइट है। अब कह रहे सभी जानवर बकरियां, तो नहीं सभी जानवर बकरियां नहीं है, कुछ जानवर बकरियां, यानी निष्कर्ष 2 गलत है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होते हैं, पहला में रहेगा निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा में निष्कर्ष 2 सही है, दूसरा में तीसरा में दोनों सही है, और चौथा में दोनों में से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष 1 सही होगा। नेक्स्ट है हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे सभी पेड़ पत्तियां हैं, सभी पेड़ पत्तियां हैं तो ये ट्री हो गया, एंड ये हमारा कह रहा है सभी पेड़ पत्तियां तो ये लिप्स, एंड कुछ फल हमारे पत्तियां हैं, कुछ फल पत्तियां हैं तो फ्रूट पत्तियां हो गई। अब हो सकता है कि ट्री में भी आपका पत्तियां, ट्री में भी आपका फल आ जाए, ये आपका एक अलग टाइप का केस होता है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, कह रहा है कुछ फल पेड़ हैं, तो क्या कुछ फल पेड़ हैं, ये तो हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। मैंने आपको बोला यहाँ पे 2 ड्राइंग बनेंगी, एक ट्री, एक यहाँ पे लीफ, और एक हो सकता है यहाँ से फ्रूट जाए, तो यहाँ पे 2 ड्राइंग बनेगा, तो इसमें हमें कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कह रहा है कुछ पत्तियाँ पेड़ हैं, तो हाँ कुछ पत्तियाँ तो पेड़ हैं, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो। तो अगर ऐसा हो कि एक ऑप्शन आपको सही सही मिल रहा है और दूसरे में कन्फ्यूज़न हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि निष्कर्ष 2 सही है, सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा या फिर हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।